आज भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके एक आनंद से अंदर से आनंद हुआ। और आज यहाँ का मुख्य त्यौहार है सूर्य भगवान की आराधना करना है। और सूर्यवंशी भगवान राम परसों अपने गर्भगृह में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में संतों के सानिध्य में श्री अयोध्या धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान की भूमिका में रामलला को अपने गर्भगृह में प्रवेश कराएंगे। ये पूरे देश में दिवाली का माहौल है, यहाँ भी बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। ये शायद पहली बार हो रहा है कि हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनकी भव्यता और दिव्यता दिखाई पड़ती है। मैं भगवान जगन्नाथ जी के पास दर्शन करने पहले भी आती रही हूँ, लेकिन इस बार यहाँ का नज़ारा बदला हुआ लग रहा है। यह है भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, जिसको अक्षुण करने के लिए हमारे देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो हमारी आध्यात्मिक केंद्र बिंदु हैं, आस्था के केंद्र बिंदु हैं, उनका उद्धार, उनका संरक्षण कर रहे हैं। आज मैं ये कह सकती हूँ कि पूरा विश्व राममय हो गया है। और भगवान जगन्नाथ जी का तो एक अपना अद्भुत नज़ारा है, जहाँ आने के बाद मन नहीं करता जाने का, फिर भी भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि हर साल बुलाते रहें। पिछले साल भी आई थी और यही प्रार्थना है कि कृपा बना रखिए और हर साल बुलाते रहिए। आज स्वयं सहायता समूह की हमारी जो दीदियां हैं, जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने के लिए कृतिबद्ध हैं, उनको लखपति बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। देश के अंदर 10 करोड़ के लगभग दीदियां हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। वो दीदियां जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हुआ करती थी, आज वो स्वावलंबी अपने पैरों खड़े होकर के अपना परिवार भी चला रही हैं और आगे के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था कर रही हैं। नहीं, मैं नहीं थी उसमें, गाड़ी में मेरे को लेने आए थे तो जो ड्राइवर चाय पीने के लिए उतरा था, उतने में एक आदमी क्या किस स्थिति में था, क्या था, उसने गाड़ी मेरी चलाने की कोशिश की थी एंड पकड़ लिया था, चालू भी कर दिया, तो ड्राइवर ने आकर के पकड़ लिया और जो सिक्योरिटी वाले थे उसको पकड़ भी लिया था। मैं, ये पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है।